नमस्कार, मैं हूं कृति पटेल और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और अधिकतर लोगों ने ये कहानी बचपन में ज़रूर सुनी होगी। इस कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जिसके लेखक हैं भारतेन हरिश्चंद्र जी। बहुत समय पहले की बात है, कोशी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन कीर्तन, ईश्वर की आराधना तथा पहलवानी में व्यतीत होता था। दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। घूमते घूमते दोनों एक अजनबी देश में जा पहुंचे। वहां वो एक बगीचे में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ देर बाद गुरु ने शिष्य को 1 रुपया दिया और कहा, बाजार जाओ और कुछ सब्जी ले आओ। जब शिष्य बाजार पहुंचा तो बाजार में वो सब्जियों का मोल भाव करना उसने शुरू कर दिया और कुछ देर बाद उसे ये पता चला कि वहां पर 1 रुपये में 1 शेर का हर सामान मिल रहा था। मतलब आप 1 रुपये में कोई भी सामान 1 शेर खरीद सकते थे और हर चीज का भाव बराबर था। तब शिष्य ने सोचा, सब्जियां तो रोज खाते हैं, रोटी दाल तो रोज खाते हैं, क्यों ना आज मिठाई ले ली जाए। तब उसने 1 रुपये में 1 शेर मिठाई ली और गुरुजी के पास जा पहुंचा लेकर। अब शिष्य ने गुरुजी से वहां पर जाकर सारी बातें बतलाई। गुरुजी ध्यानमग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, हमें ये स्थान जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे अंधेर नगरी लगती है। यहाँ का राजा महा चौपट और मूर्खादिराज है, कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को थोड़ा सा लालच आ गया। उसने कहा, गुरुजी, हम हर जगह भटकते रहते हैं, क्यों ना हम कुछ दिन यहीं पर रुक जाएं, ताकि अपनी सेहत वेहत भी बन जाएगी। अब गुरुजी भी क्या करते हैं, बोले, ठीक है बेटा गंगाधर, जब कभी संकट आए तो मुझे याद कर लेना। और उन्होंने वो स्थान त्याग दिया। तो इस तरह से गंगाधर प्रातः नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकलता था और 1-2 रुपये जो भी प्राप्त होता उसकी वो अच्छी अच्छी सी मिठाइयाँ खरीद कर उनका सेवन करता। इस तरह से कई महीने गुजर गए। खा पी कर वो काफ़ी मोटा और तगड़ा हो गया। एक दिन उस नगर में एक घटना हुई जिसमें कलावती नाम की एक महिला रहती थी और उसकी बकरी एक दिन पंडित दीनदयाल जी के खेत में जाकर फसल चरने लगी। दीनदयाल को गुस्सा आया और उसने उस पर डंडे से प्रहार करा, जिससे कि बकरी मर गई। अब क्या, रोती कलपती कलावती न्याय के लिए राजा के पास जा पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि ठीक है, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी जिंदा कर दो या तो फांसी पर चढ़ जाओ। अब भला दीनदयाल बकरी को कैसे जिंदा करता, सो जल्लाद उसे ले जाकर फांसी देने के लिए पहुंचा। दीनदयाल इतना दुबला पतला व्यक्ति था कि फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ गया। अब जल्लाद ने राजा से कहा, माई बाप, फांसी का फंदा तो इसके गले में आकर इतना बड़ा हो गया कि ये उसमें झूल रहा है। कुछ देर तक राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जाओ आसपास में से जो सबसे मोटा व्यक्ति हो उसे लाकर फांसी दे दो। अब क्या, वहां पर कोई अगर मोटा तगड़ा इंसान था वो था गंगाधर, जिसे पकड़कर वध स्थल पर लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो फांसी आप मुझे दे रहे हैं। राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसीलिए फांसी के तख्त पर अब तुम्हें चढ़ना होगा। तब उसे अपने गुरुजी की बातें याद आई। वो बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पर जा पहुंचे। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा ना टके शेर मिठाई का मजा, अब जैसा कहता हूं वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूं,
पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं पहले मुझे फांसी में चढ़ाओ। लेकिन अब क्या, जल्लाद के एक तरफ गुरुजी और दूसरी तरफ गंगाधर, दोनों अपनी अपनी तरफ जल्लाद का हाथ खींच रहे थे। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और तुम दोनों ही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो, आखिर इसका कारण क्या है? तब गुरुजी को क्या, इसी बात का तो इंतजार था। उन्होंने कहा, राजन अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो ठहरा मूर्ख और चौपट तो वो था ही, वो अव्वल दर्जे का लालची भी निकला। वो गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के अपने सूरत देखी है? बड़ा आए 5 गुना राज्य लेने वाले, अरे ठहरो मैं खुद फांसी चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीन कर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक गया। वही समय से ये कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। और कहा जाता है ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये सत्य है। एक चौपट राजा हुआ करते थे और उनका महल कहते हैं वो उल्टा किला के नाम से आज भी प्रयाग से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर स्थित है और वो किला उल्टा किला के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे की भी एक कहानी है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगी या फिर बताऊंगी, तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम आपको फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।